हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी एम्ब्रॉयडरी की फाइल जो मैंने अपनी वन ईयर के फैशन डिज़ाइनिंग में बनाई है। बहुत सुंदर सुंदर इसमें डिज़ाइंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, साथ ही सारे स्टिचेस आपको पता चल जाएंगी। एम्ब्रॉयडरी की सारी कवर तो नहीं है, बट जितनी भी हमने सीखी हैं वो सारी की सारी मैंने इसमें कवर कर रखी हैं। तो पहली जो हमारी स्टिच है एम्ब्रॉयडरी की वो है रनिंग स्टिच, और इसमें मैंने क्यूट सा डोरेमोन बनाया था। देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, ये एकदम क्यूट सा, और मुझे ये अपनी बेस्ट एम्ब्रॉयडरी लगती है। ये रनिंग स्टिच से कितना अच्छा सा हमारा क्रिएट हुआ है। इसके बाद आता है हमारा चैन स्टिच, और चैन स्टिच में मैंने कुछ ये मोटिफ लिया था इस तरह का, देख सकते हैं आप, ये चैन स्टिच है इस तरह से। और जो इसके बाद हमने जो बनाई थी वो है लेज़ी डेज़ी। तो लेज़ी डेज़ी का पैटर्न देखिए, इस तरह से हमारा ये लेज़ी डेज़ी का एम्ब्रॉयडरी बनता है। इसके बाद हमने स्टेम एंड रोसेस करा था, तो ये देखिए रोज़ एंड ये जो हमारा स्टेम है और रोज़ेस दोनों एक ही में हमने बनाया था। इसके बाद ये फ्लाई स्टिच है, तो देखिए ये फ्लाई स्टिच कुछ इस तरह से है, जो ग्रीन कलर से की हुई है ये फ्लाई स्टिच है। बाकी जो हमने रेड और ऑरेंज से की है वो लेज़ी डेज़ी स्टिच कहते हैं उसको। इसके बाद ये हेरिंग बोन करा था, और हेरिंग बोन के लिए मैंने कुछ इस तरह से बॉर्डर्स ले लिए थे। तो इस तरह से मैंने जो ये लाइन जा रही है डायगोनल चेक्स में, ये हमारा हेरिंग बोन है। अब ये फ्रेंच नोट से देखिए, ये मोटिफ भी कितना अच्छा सा लगेगा अगर आप अपनी कुर्तीस वगैरह में बनाना चाहेंगी तो। ये काउचिंग स्टिच है, देखिए कुछ इस तरह से काउचिंग स्टिच है। ये साटिन है, मोस्ट पॉपुलर, एंड यही चलती है सब गारमेंट्स वगैरह में मेन मोटिव। ये मैंने छोटा सा ही लिया है, बट सबसे ज़्यादा फेमस हमारी साटिन है। फिल करने के लिए कोई भी हमें साटिन से ही करते हैं, बाकी लॉन्ग एंड शॉर्ट भी है हमारे पास, इससे भी हम फिल कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए ये फ्लावर्स में बहुत ही अच्छा सा लगेगा आपको। यहाँ पर मैंने बीच में फ्रेंच नोट्स बनाए हैं। अब इसके बाद हमने जो है वो एम्बेलिशमेंट्स किए थे, तो पांच तरीके से हमें एम्बेलिशमेंट्स करने थे। तो यहाँ मैंने जो एम्बेलिशमेंट किया है वो स्टोन्स और वूल थ्रेड से किया है। तो देखिए ये स्टोन्स मैंने लगाए हैं, और यहाँ पे मैंने ये थ्रेड से ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो ये टी शर्ट्स वगैरह पर अगर आप बनाओगे तो ये अच्छा लगेगा। बाकी फिर मैंने अब दूसरा जो एम्बेलिशमेंट किया था वो बटन से किया, तो ये कुछ बटरफ्लाई टाइप का डिज़ाइन आया है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है, रिबन के साथ मैंने ये क्रिएट किया था। मैं अब इसको किसी गारमेंट पे बनाऊंगी तो और ये और भी मस्त लगेगा। देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे से आ रहे हैं पर्ल मोती के साथ, और लीव्स भी कितने अच्छे से लग रहे हैं। तो आप इस एम्ब्रॉयडरी को बना सकते हैं, मतलब ब्लाउजेस वगैरह में बहुत ही सुंदर लुक आता है इससे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था, टाइम टेकिंग नहीं है ये। इसके लिए बस आपको एक मोटी सुई चाहिए होगी और रिबन्स चाहिए। इसके बाद तो ये मैंने यूं ही कर दिया था, मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो ये मैंने कुछ फैब्रिक से ही कुछ कर दिया है। ये मेरे टेस्ट पेपर्स हैं बीच में, ये देखिए ये भी कितना अच्छा सा लग रहा है। ये हमारा वूल थ्रेड जो था ना, हमने पॉम पॉम बनाते हैं तो पॉम पॉम से हमारे फैब्रिक बच जाते हैं, तो इसके मैंने ये बनाया था। नीचे मैंने यहाँ पर साटिन स्टिच कर दिया है। अब हमारी स्ट्रेट वाइज एम्ब्रॉयडरी आ रही है, तो ये पहली हमारी जो स्टिच है वो कांता की है, वेस्ट बंगाल की फेमस ये हमारी एम्ब्रॉयडरी है। कांता जो फेमस है वो हम वेस्ट बंगाल की है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने मोटिफ लेके रनिंग स्टिच ही सही बनती है ये, और वेस्ट बंगाल की एम्ब्रॉयडरी है ये। जो अगली एम्ब्रॉयडरी है ये फुलकारी एम्ब्रॉयडरी है। आपने फुलकारी के दुपट्टे देखे होंगे, तो उसमें आप देखोगे पैटर्न कुछ इस तरह से होते हैं, तो फुलकारी के मोटिव्स वगैरह भी अलग तरीके से हमें दिखते हैं और पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें फुलकारी की एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये पंजाब की एम्ब्रॉयडरी है, अभी ये कशीदाकारी है, कशीदाकारी जो हमारी फेमस है वो कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है। और इसमें देखेंगे हमारे मोटिव्स जो हैं वो फ्लोरल टाइप के कुछ ज़्यादा रहते हैं, और ये भी तीन तरह की होती है। मैंने इसमें वन एक तरह का यूज़ किया था। चिकनकारी आपको पता ही है बहुत फेमस है, चिकनकारी के आपको पता चलते होंगे कि आप सूट्स वगैरह हो गए तो अलग अलग तरह के होती हैं, तो इसमें मैंने कुछ इस तरह का बनाया है। और ये आप देखेंगे ना, तो आप इसको जब तो यहाँ से आपको स्टिच दिखेगी पीछे की जो होती है।
चिकनकारी जो है वो लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। अब आता है कसूती, देखिए कसूती भी कितनी मस्त एम्ब्रॉयडरी है। देखिए कुछ ऐसा सा मोटिफ रहता है इसके अंदर, और ये कर्नाटका की फेमस हमारी एम्ब्रॉयडरी रहती है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी। आपको देखो स्टोन से ही पता चल रहा होगा कहाँ की फेमस है। तो ये गुजरात की फेमस हमारी कच्छ एम्ब्रॉयडरी रंगोली, और रंगोली कह रही हूँ एम्ब्रॉयडरी है ये। जरदोजी, जरदोजी कुछ कहीं की फेमस टाइप की नहीं है, ये हर स्टेट्स में चलती हैं। और इसमें जो है हमारा वर्क जो है वो आरी का रहता है, इसमें आरी वर्क यूज़ होता है हमारा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बिट्स वगैरह से हम एम्ब्रॉयडरी करना, सिक्वेंस से एम्ब्रॉयडरी करना, पर्ल्स से। तो यहाँ पे हमारे सारी जो मोती वगैरह बटन्स और सिक्वेंस वगैरह होती हैं उस तरह को आपको का ब्लाउज़ बनता है। तो आप देखेंगे लहंगे में आपके ब्लाउज में जो भी एम्ब्रॉयडरी की होती है वो जरी थ्रेड से की होती है, जिसमें भी आपको सीक्वेंस वगैरह दिखेगी। लास्ट जो है ये हमारा पैच वर्क है, तो पैच वर्क भी देखिए, थोड़ा मेरा फिनिशिंग नहीं है इसमें, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा अगर आप फिनिशिंग के साथ करेंगी। तो ये पैच वर्क बहुत चलता है एप्लिक में, आप सिंपल गारमेंट को खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरी पूरी फाइल थी एम्ब्रॉयडरी की, आई होप आपको अच्छी लगी हो।